राज्य मंत्री जसवंत सैनी का आज रायबरेली दौरा था, जहां पर उन्होंने पहुंचकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक और उसके बाद कलेक्ट्रेट बचत भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस मौके पर जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव एवं तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। S7 के लिए इंद्रजीत आकाश बारी के साथ अनुपम मित्रा की रिपोर्ट। 2022 का मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल था, उस पर जनता ने बोल रहे हैं। 2022 की सरकार बनी, 5 तारीख को 100 दिन पूरे हुए। मुख्यमंत्री जी ने पत्रकारों के सामने अपने 100 दिन की तस्वीर की चर्चा की, 5 संभावनाओं का उद्देश्य यह भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य है। देश के प्रधानमंत्री आयुष यूजन धारक की अर्थव्यवस्था देश को बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश भी 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगी। उसके लिए उद्योग का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो और विकास का क्षेत्र हो, 2176 व्यक्तियों से ज्यादा लक्ष्य के साथ 176 को पूरा किया गया नहीं है। और उसके बनने से उस क्षेत्र के अंदर औद्योगिक विकास भी होगा और आवागमन के साधन भी बढ़ेंगे। बड़ा और ऐतिहासिक काम किया गया है। 21 महीने का टारगेट था, उसको 28 महीने में हमारी सरकार द्वारा पूर्ण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर नोएडा की जानकारी लेनी चाहिए, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम सीधा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा व्यवस्था सरकारी प्रगति पर है। गोरखपुर से वाराणसी के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई है। अब वाराणसी 15 शहरों से गोरखपुर 9 शहरों से हवाई सेवाएं जुड़ चुके हैं। 80,000 करोड़ के 1406 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर अभी जनवरी माह में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन जनवरी माह में किया जाएगा, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 14 वर्षों में उद्योग यहाँ से बाहर जा रहे थे, आज उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर लग रहे हैं। उद्योग लगेगा, बंदरों को रोजगार मिलेगा और उत्तर प्रदेश का विकास कभी गति से होगा। और 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का है, वो संकल्प सिद्ध होगा। आज पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत और प्रदेश सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों के विषय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, इसमें आप सभी आमंत्रित है। सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को जो खुशी का माहौल देश के अंदर आज है, देश के राष्ट्रपति के पद पर आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विजयी हुई है, इसके लिए उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और पार्टी नेतृत्व और NDA के घटक दलों को जिन्होंने उनका सहयोग किया, उन सबको भी आदि बधाई शुभकामनाएं। 100 दिन का कार्यकाल अद्भुत है और जो लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य को 100% पूरा करने का काम किया गया। जो हमारे संकल्प में बिंदु थे उनको भी हमने अधिकतम पर काम शुरू कर दिया है, जो बचे हुए 2 साल में उनको पूरा किया जाएगा। हर चीज़ पर नज़र है सरकार की, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी पाई जाएगी, इस तरह की कोई समस्या हो उसका समाधान भी करेंगे, सुमन की बात कार्रवाई करेंगे। अभी ये तो घंटे उन्होंने अपने समय में देखे थे, वो याद वो भूल नहीं पाएंगे। तो इतना अच्छा एक्सप्रेस वे बना है और जो योजना 26 महीने में पूरी होनी थी 28 महीने में पूरी करके दी है, तेजी से काम किया गया, उसका समाधान दिया।